The next speaker is Sanjay Raut. Sir, धन्यवाद. आज देश में हमारी 50% आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े. पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं. सरकार बार बार ये कहती आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, तीन बिल है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. आज देखता हूं मैं पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए. अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है. कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा यह किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आजादी है. एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है. तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? ये इतने कच्चे कान के खिलाड़ी है कि सिर्फ अफवाह सुनकर एक मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा. समाप्त कीजिए संजय राउत जी, अफवाह समाप्त. आप तो शुरू नहीं किया, आप क्या खत्म करने की बात कर? नहीं, आपको दो ही मिनट है ना, तो उसी में नहीं, हर पार्टी को देखिए, हर एक पार्टी को सुनना है. नहीं नहीं, हमको मालूम है. आप नहीं नहीं, आप बाद में बोल लीजिएगा, अभी दूसरे बिल पर बोल लीजिएगा. इसमें हर एक पार्टी का ओपिनियन लेना है. ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल है. हाँ, आप कहते हैं, आप देखो किसान का वो कभी बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस बिल में अभी आपका दो मिनट है, दो मिनट हो चुका है, प्लीज समाप्त कीजिए. आपने एपीएमसी मंडी की व्यवस्था खत्म करने के लिए जो बिल लाया है, आप कहते हो एपीएमसी भी रहेगी और मंडी के बाहर भी माल बेचा जाएगा. एक और आप कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, तो ये आपने दो मार्केट बना दिए. एक मंडी के अंदर भी मार्केट है, एक मंडी के बाहर भी मार्केट है. मंडी के बाहर के मार्केट जो है वो कॉरपोरेट लोगों के हाथ में है, बड़े बड़े कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है, और धीरे धीरे ये लोग मंडी में भी जाएंगे और मंडी का भी कब्जा करेंगे. अब समाप्त कीजिए. नहीं समाप्त सर, दो मिनट नहीं हुए सर. नहीं नहीं, दो मिनट हो चुका आपका, और तो आपको ज्यादा मैंने दिया है. मुझे दो मिनट से ज्यादा मैंने दिया है. आप समाप्त करें, मैं दूसरे, मुझे दूसरे स्पीकर बुलाना पड़ेगा. धीरे धीरे ये खेती का व्यवसाय, ये खेती भी कॉरपोरेट में हाथ जा रही है, निजी लोगों के हाथ में जा रहे है, उसको हमके बचाना पड़ेगा. और ये दो दो मिनट की जो बात आप करते हो या दो घंटे की चर्चा की बात करते हो, ये भी किसानों के ऊपर अन्याय है. अगर आप किसानों के हित की बात करते हो, दो या तीन बिल एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लाते हो और जो लोग बात करना चाहते हैं इस बारे में, धन्यवाद धन्यवाद, एक मिनट देते हैं, उसके लिए पूरा एक दिन की चर्चा होनी चाहिए, एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तब इस प्रकार के बिल. आपके सजेशन नोट किया गया है, धन्यवाद.